Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग जो है स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन, भारत में परिवहन पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि जो बंदरगाह थे, तटीय राज्य थे पिछले वीडियो में, उसके पहले हमने देखा था कि जो जलमार्ग थे, आज हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन। क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन। तो भारत में जो सड़क परिवहन है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत का है। कैसा? दूसरा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक, लगभग 54 लाख किलोमीटर सड़क जो है भारत में पाई जाती है। ठीक, कहीं कहीं 56 भी मिलेगा, तो इसीलिए मैंने लगभग लगा दिया गया कि 2-3 लाख इधर उधर आपका होता है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और एशिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। भारत में जो है लगभग 54 लाख या 56 लाख, एक्चुअल अगर करें तो लगभग 56 लाख किलोमीटर सड़क है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहां पे है, तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क जो है आपकी वो मुंबई में है या जिसको महाराष्ट्र, तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क आपकी मुंबई या महाराष्ट्र में है और सबसे ज्यादा कच्ची सड़क जो आपकी है वो आपकी उड़ीसा में है। ठीक, तो हमने कहा कि भारत सड़क का एक जाल है। भारत में सबसे ज्यादा पक्की सड़क मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहां पर आपको सड़क के साथ साथ विधानसभा सीट भी बताएंगे कि वहां पर कितनी विधानसभा सीट है। दोनों चीज आपको एक साथ याद करा दी जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पक्की सड़क मुंबई में है और सबसे ज्यादा कच्ची सड़क आपकी उड़ीसा में है। ठीक, तो विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो मुंबई में जो विधानसभा सीट है वो आपकी 288 है। कितनी? मुंबई में या महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट 288। आप लोगों को मैं गारंटी करता हूं कि आप 15 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखिए। इसमें आपको ना केवल नेशनल हाईवेज का पता चलेगा बल्कि आपको ये भी याद हो जाएगा कि कहां पर कितनी विधानसभा सीट है। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा पक्की सड़क वाला राज्य है और महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीट है वो कितनी है? 288 है। इसी के बाद उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की जो विधानसभा सीट है वो आपकी 147 है। तो हमने दो चीज देख लिया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपके नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय
राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे पहला हम देखेंगे NH 44, नेशनल हाईवे नंबर 44। ये जो है हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, यानी एच है, मैंने लिख दिया है। इसकी लंबाई लगभग 4300 किलोमीटर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एकदम ऊपर कहां पे, ऊपर आपके श्रीनगर से लेकर के और एकदम नीचे कहां पर, कन्याकुमारी तक ये जो है फैला है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है। श्रीनगर का मतलब जम्मू कश्मीर, J&K, और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीट है वो 87 है। वहीं कन्याकुमारी का मतलब हो गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है वो 235 है। कितनी है? 235। हमने कहा कि आप देखे होंगे थंबनेल में पोस्टमार्टम क्लास है, मतलब इसमें आप एक चीज नहीं दो चीज सीखेंगे कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट 87 है, तमिलनाडु की विधानसभा सीट 235 है, और जो हमारा देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 44 है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 4300 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा आपका है वो है NH 27। अगला जो आपका है वो है NH 27। NH 27 जो है आपका ये 3507 किलोमीटर, मतलब दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि आपको पोरबंदर या गुजरात को सिलचर या असम से जोड़ता है। गुजरात की आपकी विधानसभा सीट हो जाएगी 182, गुजरात की आपकी विधानसभा सीट हो जाएगी 182। वहीं अगर हम असम की बात करेंगे तो असम की आपकी विधानसभा सीट हो जाएगी 126। ठीक, तो हमने अभी क्या देखा कि जो ऊपर से नीचे जा रहा था जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु वाला और इधर गुजरात से असम वाला, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे ना, ये आपका है झांसी, दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो ये चीज था आपका क्या, NH 27। इसके बाद अगला जो है वो है आपका NH 48। तो NH 48 देखिए क्या है, NH 48 आपका कहां से शुरू होगा समझिएगा, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बाद मुंबई, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, पुणे बाद फिर चेन्नई। समझिएगा कहां से कहां तक गया, ये आपका दिल्ली गया, दिल्ली से जयपुर गया, जयपुर से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से सूरत गया, सूरत से मुंबई गया, मुंबई से पुणे गया, पुणे से बेलगाम गया, और बेलगाम से चेन्नई गया। ठीक, बेलगाम में ही गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो चलते हैं कहां से कहां तक, दिल्ली से आगे गए जयपुर, ठीक, दिल्ली से आगे गए जयपुर से आगे गए अहमदाबाद,
अहमदाबाद से आगे गए सूरत, सूरत से आगे गए मुंबई, मुंबई से आगे गए पुणे, पुणे से आगे गए बेलगाम और बेलगाम से आगे गए चेन्नई। ठीक, तो जो NH-48 है आपका, NH-48 आपका इसी तरह से जाता है। तो अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो दिल्ली की विधानसभा सीट है आपकी 70। दिल्ली की विधानसभा सीट आपकी कितनी है? 70। वहीं आप जयपुर की बात करें, जयपुर यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो विधानसभा सीट है वो 200। वहीं आप अहमदाबाद और सूरत की बात करें तो ये आपकी गुजरात में है और गुजरात की विधानसभा सीट है 182। वहीं आप मुंबई की बात करें तो मुंबई का मतलब महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीट है वो है 288। पुणे भी आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र में ही आएगा। चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई आपका तमिलनाडु में आएगा और तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है वो 235। ठीक, तो आपने इस तरह से देख लिया कि NH-48 कहां कहां से गुजरता है, जिस राज्य से गुजरता है वहां की विधानसभा सीट कितनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि सर बहुत अच्छा समझ में आया या नहीं समझ में आया, बेकार था, बहुत बेकार था, कैसे था। तो चलते हैं NH-48 के बाद जो अगला नेशनल हाईवे है आपका, चलिए यही बता देते हैं, NH-6 है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। NH-6 में क्या है देखिएगा, NH-6 जो है आपका जोबराट यानी कि मेघालय से चल के मिजोरम तक, मेघालय या जोबराट से चलकर सेलिंग तक है। ठीक, जोबराट से चल करके सेलिंग तक है और जोबराट आपका मेघालय में है और सेलिंग आपका मिजोरम में है। ठीक, तो जो नेशनल हाईवे नंबर 6 है वो आपका जोबराट से लेकर के सेलिंग तक है और ये नॉर्थ ईस्ट का है भाई, चूंकि हम लोग जानते हैं ना इधर है तो है, तो चूंकि नॉर्थ और ईस्ट का ये नेशनल हाईवे है। अब अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की विधानसभा सीट 60 है और मिजोरम की विधानसभा सीट 40 है। मिजोरम की 40 है और मेघालय की 60। ठीक, तो ये चीज था आपका NH-6 नेशनल हाईवे नंबर 6। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो अगला जो है हमारा वो है NH-53। तो NH-53 देखिए कहां से कहां तक है। NH-53 आपका हजीरा से पारद्वीप तक है, जो हजीरा है वो आपका गुजरात है। NH-53, तो NH-53 जो है आपका हजीरा से पारद्वीप तक है और हजीरा का मतलब गुजरात, पारद्वीप का मतलब उड़ीसा, तो गुजरात से उड़ीसा तक है कौन सा NH-53। तो गुजरात की विधानसभा सीट हमने बताई 182 और वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की भी हमने विधानसभा सीट बताई थी, कितनी बताई थी उड़ीसा की, आप लोग कमेंट करिए उड़ीसा की बताइए कि विधानसभा सीट हमने कितनी बताई थी। तो उड़ीसा की बताई थी हमने 147। तो ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर कितना, 53। इसके बाद जो आपका अगला नेशनल हाईवे है वो है NH-19 नेशनल हाईवे नंबर 19। तो NH-19 नेशनल हाईवे नंबर 19 जो है ये आपका सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है। तो सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे आपका कौन सा है, NH-19 है, जो कि आपका कहां से कहां तक जाता है समझिएगा, दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली के बाद आगरा जाएगा, आगरा के बाद कानपुर जाएगा, कानपुर के बाद फिर इलाहाबाद जाएगा, ठीक, दिल्ली जाएगा, दिल्ली के बाद आगरा जाएगा, आगरा के बाद कानपुर जाएगा, कानपुर के बाद इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद के बाद गया जाएगा, गया के बाद धनबाद जाएगा
और धनबाद के बाद कलकत्ता जाएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, समझिएगा, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कानपुर के बाद फिर इलाहाबाद, धनबाद, फिर गया, फिर कोल। ठीक, तो ये चीज है, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, गया, धनबाद, कोलकाता। इलाहाबाद के बाद फिर गया है, तब फिर धनबाद है। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली विधानसभा सीट कितनी, 70। आगरा, दिल्ली, तो कानपुर ये भी आपका यूपी में है, तो यूपी के मतलब कितनी है विधानसभा सीट, 403। इलाहाबाद यूपी में ही है, गया बिहार में है आपका, कितना विधानसभा सीट, 243। और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा सीट कितनी हो जाएगी, 295। तो ये चीज है। अगला जो आपका है इंपॉर्टेंट, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करवाई थी, जो कि NHDP के अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके विषय में हम लोग अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।